भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर क्षेत्र में फैला विशाल मौर्य साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात तुरंत ही बिखरने लगा और केवल 50 सालों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। केंद्रीय सत्ता के इसी दुर्बलता के कारण भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र इंडो ग्रीक शासकों के हाथ लगा तो पूर्व में कलिंग राज्य ने भी विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इसी समय कलिंग राज्य के पश्चिम में स्थित दक्खन क्षेत्र में भी एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसने आगे चल के समूचे दक्षिण मध्य भारत पर अपना वर्चस्व बना लिया। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य तो अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। तो आओ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सातवाहन राजवंश के बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सातवाहन वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा उनके कार्यकाल के बारे में भारतीय इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत आदि पुराणों में सातवाहन राजाओं का वर्णन आंध्रभृत्य अर्थात आंध्र का सेवक इस नाम से किया गया है। इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें आंध्र सातवाहन इस नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज मौर्य काल में मौर्यों के सेवक रहे होंगे, लेकिन दक्खन के उत्तरी भाग से प्राप्त प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि मौर्यों के पतन काल में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सातवाहनों ने दक्खन की तरफ बढ़कर अपने आप को मौर्यों से स्वतंत्र कर लिया होगा और यही से प्रारंभिक सातवाहन राज्य का निर्माण भी हुआ होगा। यहाँ का प्रतिष्ठान अर्थात आज के महाराष्ट्र में स्थित पैठन सातवाहन राजाओं के राजधानी का स्थान हुआ करता था। नानीघाट शिलालेख में वर्णित सूची के अनुसार राजा सिमुक को सातवाहन राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इस अभिलेख में इनका वर्णन राजा सिमुक सातवाहन ऐसे किया गया है, उन्होंने 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुराणों से हमें ये ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके राजा सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। पुराणों में उन्हें सिमुक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधु तथा शिप्रक आदि नामों से भी पुकारा गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासन काल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासन काल के अंत काल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारण उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई। राजा सिमुक के मृत्यु के समय उनके पुत्र की आयु कम होने के कारण उनका भाई कान्हा अगला सातवाहन शासक बना। आगे राजा कान्हा ने भी लगभग 18 सालों तक शासन किया और अपने कार्यकाल में सातवाहन राज्य का नासिक तक विस्तार किया और फिर राजा कान्हा के पश्चात सातवाहन राज्य की बागडोर सिमुक के पुत्र राजा सातकर्णी प्रथम के हाथ में आई। राजा सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के वो महान शासक रहे जिन्होंने सातवाहन राज्य का दक्खन की चारों दिशाओं में विस्तार किया। पश्चिम घाट में स्थित नाना घाट या कहे नानी घाट अभिलेख से हमें राजा सातकर्णी प्रथम से जुड़ी काफी जानकारी प्राप्त होती है। राजा सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका द्वारा लिखवाए गए इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि सत्ता संभालते ही राजा सातकर्णी प्रथम ने राज्य विस्तार के लिए कई सारे अभियान चलवाए और जल्द ही सातवाहन राज्य विदर्भ, नर्मदा घाटी और पश्चिम मालवा प्रदेश तक फैल गया। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे इस अभिलेख में रानी नागनिका लिखवाती है कि राजा सातकर्णी प्रथम ने अपने राज्य के विस्तार के लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था और साथ ही साथ दक्षिणा पथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी धारण कर ली थी। राजा सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपने पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाई थी। उनके सिक्कों पर हमें उनके नाम को सूचित करने वाला श्री सात ऐसा वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार
सातकर्णी प्रथम का शासनकाल केवल 9 वर्षों तक ही रहा, लेकिन इतने कम समय में भी सातकर्णी प्रथम ने सातवाहनों को दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। रानी नागनिका के अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि राजा सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उनके दोनों पुत्र वेदश्री और सतश्री अल्पवयस्क होने के कारण रानी नागनिका ने ही सतश्री के राजा बनने तक सत्ता संभाली। शायद वेदश्री की जल्दी मृत्यु होने के कारण आगे हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी तरह सतश्री के पश्चात उत्तराधिकारी बने अगले सातवाहन राजा के बारे में भी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। सातवाहन राजाओं की इसी श्रृंखला में हमें छठवें सातवाहन राजा राजा सातकर्णी द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि राजा सातकर्णी द्वितीय सभी सातवाहन राजाओं के इतिहास में सर्वाधिक समय के लिए सत्ता में रहे। उन्होंने लगभग 56 सालों तक शासन किया और अपने शासनकाल में सातवाहन राज्य का मालवा के पूर्वी भाग तक विस्तार किया। राजा सातवाहन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात हमें सीधे 17वें सातवाहन राजा हाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। राजा हाल, जो कि स्वयं एक कवि तथा कवियों एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की थी। उनकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। इसके अलावा राजा हाल के बारे में भी हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। केवल इतना सुनिश्चित हो जाता है कि राजा हाल के कार्यकाल तक सातवाहन राजाओं का इतिहास निरंतर विस्तार और समृद्धि से भरा रहा था। लेकिन पहली शताब्दी ईसा के मध्य से सातवाहन राजाओं का शकों से टकराव प्रारंभ हुआ और इसकी वजह बना पश्चिमोत्तर भारत में फैल रहा कुषाण साम्राज्य। कुषाण, जो पश्चिमोत्तर भारत से गंगा यमुना दोआब तक बढ़ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर पहले से स्थापित शकों को दक्षिण की तरफ खदेड़ा, जिस कारण शकों ने सातवाहनों की भूमि पर अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। शकों का ये आक्रमण धीरे धीरे इतना प्रभावी बना कि सातवाहनों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इस क्षेत्र में शकों की बढ़ती ताकत के साथ साथ ही सातवाहनों की शक्ति क्षीण होती गई और फिर सातवाहनों का राज्य अपने मध्य में सिमटता चला गया और एक समय ऐसा आया कि मानो सातवाहनों की सत्ता का अंत हो गया हो। लेकिन यहीं पर सातवाहनों की कहानी का अंत नहीं होता। इस संघर्ष से भरे काल के पश्चात सातवाहनों के अगले शासक फिर से अपनी शक्तियों को केंद्रित करके शकों से अपनी भूमि को पुनर्प्राप्त करते हैं और अपने गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना करते हैं, जिसकी कहानी को हम अगले वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।